संसद भवन परिसर में असम कांग्रेस के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, गांधी प्रतिमा के पास बैनर लिए हुए हैं और रिलीज सेंट्रल फंड फ्लड के लिए वो रिलीज किया जाए असम के विक्टिम्स के लिए, ये मांग कर रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हम लोग को ये फ्लड सिचुएशन नेशनल स्कीम का नेशनल डिक्लेयर करना, इश्यू डिक्लेयर करना चाहिए और अभी जो बाढ़ में सब लिपट किया है इन लोगों को रिलीफ देना। और असम कांग्रेस के जो सांसद हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो टिपुन बोरा भी यहां पर मौजूद हैं, क्या मांग है सर आप लोगों से? बिल्कुल खत्म हो गया, अभी लोगों को कोई रिलीफ नहीं मिला है, पीने का पानी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कोई ना सेंट्रल का कोई मिनिस्टर गया है देखने के लिए, कोई एक्सपर्ट टीम भेजा है, इसके बावजूद भी जो असम गवर्नमेंट का जो ड्यू अमाउंट है, जो CRF कैलामिटी रिलीफ फंड और जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड, ये भी 2 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज नहीं किया, तो ऐसा स्थिति है आज असम में। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे जो ये बैनर लेकर आए हैं, आप क्या दबाव बनाना चाहते हैं और केंद्र सरकार से जो मांग हो रही है नेशनल, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, तो आपको लगता है क्या असम में वाकई हालात ऐसे हैं? देखिए, ऐसा है, ये रूटीन प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल कलामिटी, ये मौसम में आती है, कभी आग लग जाती है, कभी बाढ़ आती है, ये बरसात के मौसम में ही होता है और असम की सिचुएशन ऐसी है कि हर बरसात में, हर बार इस मौसम में ये प्रॉब्लम आती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने बजट नहीं होता, पैसा नहीं होता कि इसको टैकल कर सके, और इसका एक परमानेंट हल होने के लिए भारत सरकार को देश के हर उन राज्यों में इसका परमानेंट इलाज करना चाहिए, जिससे कि जो हजारों लोग विस्थापित होते हैं, तमाम सारी प्रॉपर्टीज नष्ट होती हैं, जानवर मरते हैं, आदमी कभी कभी मरते हैं, तो इसका इलाज एक स्पेशल प्रोजेक्ट बना करके भारत भर के इन तमाम सारे राज्यों में, और सब डाटा भारत सरकार के पास है, वहां पर एक परमानेंट इसका हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। हम हर साल ऐसे मौके पर आसाम में बाढ़ आ जाती है, यूपी में आ जाती है, बिहार में आ जाती है, हम लोग आवाज उठाते हैं लेकिन इस पर पक्की कार्रवाई नहीं होती। धन्यवाद बात करने के लिए। और असम की बाढ़ को लेकर कांग्रेस सांसदों ने प्रदर्शन किया है, विरोध दर्ज कराया है और मांग की है कि असम के हालात से निपटने के लिए केंद्र सरकार राहत पैकेज का ऐलान करे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।